ये है गौरी, गौरी बैठा है छत के इधर सीढ़ियों के अंदर। ये देखिए यहाँ पर हो रही है बहुत तेज बारिश, बारिश बहुत तेज हो रही है। गौरी यहाँ पर बैठा हुआ है और आप लोग सोच के देखिए जरा, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पर, सुबह से बारिश हो रही है। और आप सोचिए जरा, जो बच्चे हम लोग जिनकी मैं सेवा करती हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे न्यूबॉर्न है, उनका जो बिस्तर है वो खुले आकाश के नीचे सोते हैं। मैंने आपको कितनी बार दिखाया, आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई कमेंट नहीं किया कि भी हम लोग उनके शेड के लिए कुछ तैयारी कर लें या कुछ ऐसा कर दें, कुछ उनकी मदद कर दें। आप लोग मदद भी नहीं करते हो, आप लोग शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, आगे वायरल नहीं करते वो वीडियो को। अब आप ये देखिए इतनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और जितने भी हमारे शेड हो गए वो सब लोग कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, कैसे वो लोग रह रहे होंगे। उनका सारा बिस्तर गीला हो गया है बारिश में, खुले आसमान के नीचे उनको कहाँ पे वो छुप रहे होंगे, गाड़ियों के नीचे, किसी के घर के पास। लोग घर के दरवाजे नहीं खोलते, दरवाजे बंद कर देते जो ग्राउंड फ्लोर में रहते। बल्कि मैं तो इतना ऊंचाई पे सीढ़ियों पे इधर फ्लोर पे रहती हूँ और उसके बावजूद भी मैं स्ट्रेट डॉग की सेवा कर रही हूँ। अगर मेरा घर ग्राउंड फ्लोर में होता तो मैं पूरे घर का दरवाजा खोल देती और जितने भी बच्चों को बैठना होता बैठ जाते। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर मैं ग्राउंड फ्लोर में अपने बच्चों को बैठने की जगह दे सकूँ। लोगों के दिल इतने छोटे हो गए हैं, उनकी सोच इतनी छोटी हो गई है कि वो बैठने के लिए जगह भी नहीं देते अपने घर के पास। उन बच्चों का क्या हो रहा होगा, क्या हाल हो रहा होगा उन छोटे छोटे बच्चों का, न्यूबॉर्न्स और भी ज्यादा बहुत सारे मल्टीप्लाई होते रहते हैं, पैदा हुए हैं बहुत सारे, उनका क्या होगा, कभी आपने सोचा है? मैं 2 साल से आप लोगों को कह रही हूँ लेकिन आप लोगों में से कोई भी सुन के राजी नहीं है, कोई मेरी वीडियो को वायरल नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम क्यों है। आप लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है, क्योंकि आपको मेरे से प्यार नहीं है इसलिए आपके पास टाइम नहीं है कि आप उन बच्चों की सुध ले सके, मेरी सुध ले सके। हम लोग किस कंडीशन में जी रहे हैं, कैमरे के पीछे क्या हो रहा है, तो हम कैमरे के आगे आपको दिखा रहे हैं, कैमरे के पीछे हम लोग कैसे जी रहे हैं, आपने कभी सोचा है? एक बार सोच के देखिएगा जरूर।